हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम यहां पे छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास से हम चैप्टर कर रहे थे। लगभग पहले पार्ट में मैंने 22 क्वेश्चन कवर कराया था, तो ये हमारा सेकंड पार्ट है, दूसरा पार्ट है। तो अगर पहले पार्ट नहीं देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, तो 22वें क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा रत्नदेव, याद रखिए रत्नदेव का जो शासनकाल कौन सा माना जाता है, 1045 से 65, 1065 से 70, 1070 से 75। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1040 से लेकर 1045 तक इन्होंने यहाँ पे शासनकाल किया था, मतलब इनका शासनकाल है 1040 से 45। और यहाँ पे इनके बारे में मैं बात करूँ तो आपके रतनपुर जो तुमार से इन्होंने राजधानी को यहाँ पे रतनपुर इन्होंने राजधानी बनाया था, तो इसको याद रखिए। तुमार में शिव मंदिर का जो निर्माण है इनके द्वारा, मतलब इसका जीर्णोद्धार इनके द्वारा करवाया गया था, तो इसको याद रखिए। जो बाड़वंशी शासक के द्वारा इस मंदिर को बनवाया गया था, लेकिन जो जीर्णोद्धार का जो काम है इनके द्वारा करवाया गया था, तो इसको याद रखिए। रतनपुर की स्थापना 1050 ईस्वी, तो 1050 ईस्वी में इनके द्वारा करवाया गया था। और इसको पूर्व में उसको कुबेरपुर की संज्ञा भी दी गई है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लखनेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था, तो आपके रत्नदेव तृतीय ने, प्रतापमल ने, बहारसाय ने या कल्याणसाय ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतापमल, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इन्होंने लखनेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया था, तो प्रतापमल, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया था, तो कलचूरियों ने, मराठों ने, अंग्रेजों ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कलचूरियों ने। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी अवधि तक इन्होंने शासन किया, तो यहाँ पे 1000 से लेकर 1741 तक यहाँ पे इन लोग शासन किए थे। इन लोग का धर्म कौन सा, तो इन लोग शैव धर्म को मानने वाले थे। इनकी कुल देवी क्या कौन थी, तो गजलक्ष्मी, याद रखिए। इन लोग जो कलचूरियों वंशियों का जो गजलक्ष्मी इन लोग की कुल देवी थी। और इन लोग की राजभाषा जो है, राजकीय भाषा संस्कृत थी। ये भी क्वेश्चन पूछा है। और संस्थापक इसके कौन है कलचूरी वंश के, तो कलिंग राज इसके संस्थापक है। प्रथम राजधानी किसको बनाया गया था, तो तुम्मार को बनाया गया था, तो इसको याद रखिए। जिसमें आपके कलिंग राज इसके द्वारा, फिर कमल राज, ये जो प्रमुख शासक है आपके, रत्नदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव प्रथम, पृथ्वीदेव द्वितीय, बहुत सारे इसके कलचूरी वंश के शासक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का वास्तविक राजनीतिक इतिहास किस राजवंश की स्थापना के साथ आरंभ होता है, तो कलचूरी वंश, काकती वंश, यादव वंश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कलचूरी वंश। तो छत्तीसगढ़ में जो, अगर मैं बात करूं वास्तविक राजनीतिक इतिहास से, तो आपके कलचूरी जो वंशियों से यहाँ पे राजस्व स्थापना के यहाँ से आरंभ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर के कोरापुट क्षेत्र के नलवंशी और नागवंशी राज्य का अंत किसने किया, तो कलचूरियों ने, काकतियों ने, यादवों ने या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कलचूरियंस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस्तर के जो कोरापुट क्षेत्र में जो नलवंशी जो यहाँ पे शासन करते थे, इन लोग को राज्य को यहाँ पे अंत करके, इन लोग का शासनकाल को फिर यहाँ पे कलचूरी वंश ने यहाँ पे शासन किया। और यहाँ पे कलचूरी वंश लगभग 1000 से लेकर 1741 तक यहाँ पे शासन किया था। सबसे अगर लंबी अवधि तक शासन किया है तो कलचूरियों ने शासन यहाँ पे किया है। तो इसके कमल राज इसके संस्थापक हैं, इन्होंने तुम्मार को राजधानी बनाया था। उसके बाद आपका रत्नदेव प्रथम आए, 1045 से 1065 तक इन्होंने शासन किया। उसके बाद जो महामाया मंदिर का जो निर्माण ही इन्होंने करवाया था, पृथ्वीदेव प्रथम, इसके बाद आपके जाजल्यदेव प्रथम, ये आपके प्रमुख शासक हैं कलचूरी वंश के, जिसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे किस नगर को उसकी समृद्धि के कारण कुबेरपुर या कुबेर नगर की इनको संज्ञा दी गई है, उपमा दी गई है, तो तुम्मार, रतनपुर, रायपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रतनपुर। तो इस नगर को समृद्धि के कारण इसको कुबेरपुर और आपके मतलब कहें रतनपुर के इसको कुबेर नगर की संज्ञा दी गई है रतनपुर को, तो इसको कुबेरपुर की भी संज्ञा दी गई है। और जो आपके रत्नदेव जो प्रथम थे, इसको अपनी राजधानी बनाया था, इसके द्वारा 1045 से 1065 तक इन्होंने शासन किया था यहाँ पे। इसके उत्तराधिकारी कौन थे, तो कमल राज के पुत्र थे, इसके उत्तराधिकारी थे, राजधानी रतनपुर बनाए थे, तुम्मार को मतलब स्थानांतरित करके बनाया था रतनपुर को,
महामाया मंदिर का जो निर्माण रतनपुर में है, महामाया मंदिर, तो यहाँ पे इन्होंने इस मंदिर को बनवाया था। और तुम्बाड़ में इन्होंने शिव मंदिर का जो जो तुम्बाड़ में जो शिव मंदिर है इसका जीर्णोद्धार भी इनके द्वारा करवाया गया था, लेकिन बनाया गया है आपके बाड़वंशी शासक विक्रमादित्य के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा। तो रतनपुर को कुबेरपुर की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। रतनपुर के कलचूरी शाखा का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो कलिंगराज को, कमलराज को, राजराज को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कलिंगराज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इनका जो शासनकाल है 1000 से लेकर 1020 तक इनका शासनकाल था। और इनके पुत्र कौन थे? तो कुकलराज यादव इनके पुत्र थे। इन्होंने तुम्बाड़ को जीत कर उसके अपने राजधानी इन्होंने बनवाया था कलिंगराज ने। इनको परम महेश्वर की उपाधि भी इनको मतलब संज्ञा दी गई है। इनकी राजधानी कहाँ थी? कलिंगराज की राजधानी तुम्बाड़ थी। और इन्होंने अमोदा से प्राप्त ताम्रपत्र से इनकी जानकारी यहाँ से मिलती है, तो इसको याद रखिएगा। फिर इसके बाद इन्होंने इसके बाद कौन से शासन किए? इसके बाद आपके रत्नदेव प्रथम आए, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतनपुर की किस कलचूरियों की प्रारंभिक राजधानी थी? तो तुम्बाड़, रायगढ़, रायपुर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुम्बाड़। तो रतनपुर के कलचूरियों की जो प्रारंभिक राजधानी थी तुम्बाड़। तो पहले राजधानी किसने बनाया था? तो कमलराज, याद रखिएगा 1020 से लेकर 1045 तक इन्होंने शासन किया है। राजधानी इन्होंने तुम्बाड़ को पहले इन्होंने राजधानी बनाया था। और यहाँ पे इसके बाद रत्नदेव इसके बाद शासन इन्होंने किया था। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहारेंद्र शाह थे, इनका शासनकाल माना जाता है? तो इनका शासनकाल है आपका 1480 से 1525 इसका शासनकाल है बहारेंद्र शाह जी का। और इन्होंने यहाँ पे तो शासन किया था 1480 से 1525 तक इन्होंने शासन किया था। इनका अन्य नाम किस नाम से? इसको बहार शाह भी नाम से जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसको बहार शाह के नाम से भी इसको जाना जाता है। राजधानी इन्होंने कहाँ को बनाया था? तो राजधानी इन्होंने रतनपुर को छोड़ के इन्होंने छोरी कोसगई को अपनी राजधानी बनाया था। तो इसको याद रखिए, इन्होंने माता कोसगई याद रखिएगा। तो इन्होंने कोसगई माता का भी मंदिर इन्होंने बनवाया था। इसके बाद कल्याण शाह आए थे, तो इन्होंने 1544 से 1581 तक इन्होंने शासन किए थे। इन्होंने राजस्व प्रणाली की शुरुआत इनके द्वारा करवाई गई थी, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किन क्षेत्रों में नर बलि की प्रथा प्रचलित थी? तो बस्तर, करौन, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, बस्तर और करौन। तो इन दोनों जगहों पे नर बलि की प्रथा था। तो पहले नर बलि प्रथा बहुत ही प्रचलित थी, जो आपके बस्तर वगैरह में कुछ भी होता था प्रोग्राम वगैरह, तो ये इन लोग बलि वगैरह का प्रथा इन लोग चला रहे थे, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलचूरी और मराठों की प्राचीन राजधानी का गौरव प्राप्त है सिरपुर को, रतनपुर को, आरंग को, या राजिम को? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रतनपुर को। तो कलचूरी और मराठों की जो प्राचीन राजधानी कौन सी थी? तो रतनपुर थी। इसको कुबेरपुर की भी संज्ञा दी गई है, और इसको तालाबों का शहर भी कहा जाता है, टैंक ऑफ सिटी के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है। और महामाया मंदिर यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है, बहुत ही मतलब भीड़ भाड़ रहता है। तो महामाया मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपके रतनपुर में है, कुबेरपुर की संज्ञा इसको दी गई है। तो इसको, और अगर पूछे आपको रतनपुर जो है आपके इसको किसके द्वारा बनवाया गया था इस मंदिर को, तो रत्नदेव जो प्रथम थे इनके द्वारा इस मंदिर को बनवाया गया था। तो इसको याद रखिएगा, इन्होंने रतनपुर को यहाँ पे मतलब रतनपुर तुम्बाड़ से स्थानांतरित कर, रतनपुर मतलब तुम्बाड़ को छोड़कर इन्होंने रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया था। महामाया मंदिर का भी निर्माण इन्होंने करवाया था। और यहाँ पे यहाँ इनको रतनपुर से अभिलेख भी यहाँ से प्राप्त वगैरह हुए हैं, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कवर्धा का प्रसिद्ध राजवंश निम्नलिखित कौन सा था? सोमवंश, नागवंश, मेघवंश, या फड़ी नागवंश? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फड़ी नागवंश करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कवर्धा में जो प्रसिद्ध राजवंश कौन सा था? तो छत्तीसगढ़ के कवर्धा क्षेत्र में नागवंशी शासकों का शासन था। यहाँ पे नागवंशी शासक यहाँ पे शासन करते थे। इसके जो प्रमुख शासक है आपके अहिराज इसके प्रथम शासक हैं। इसके बाद गोपाल देव, रामचंद्र देव, मोनिंग देव, जो कि ये आपके प्रमुख
शासक हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के अंतिम नरेश कौन थे या अंतिम शासक कौन थे? तो अमर सिंह, कोकल देव, वृंग सिंहदेव या सत्यदेव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमर सिंहदेव। इनका शासनकाल 1750 तक इन्होंने यहाँ पे शासन किया था। तो इस शाखा का अंतिम शासक है अमर सिंहदेव। इनका 1750 ईस्वी जो रघुजी प्रथम थे, जो मराठा शासक थे, इनको पराजित करके इस क्षेत्र में इन्होंने मराठा शासन स्थापित किया था। तो अमर सिंह इसका करेक्ट आंसर हो। तो चलिए बाकी जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। तो बस क्वेश्चन है आज तक हम यही तक रखते हैं। अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। तो बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।